सिंघिया में किसानों को धान का बीमा नहीं मिलने पर उपप्रमुख ने नाराजगी व्यक्त किया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के किसानों को धान का बीमा लाभ नहीं मिलने पर सिंघिया प्रखंड के उपप्रमुख रिंकू सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी किसानों को धान के बीमा लाभ दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से किया है। उन्होंने बताया कि धान का क्रॉप कटिंग के अनुसार किसानों को तो बीमा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ पैक्स अध्यक्षों के द्वारा व्यापारी से धान का अधिग्रहण क्रय बहुत ज्यादा कर लिया गया, जिस कारण यहां के किसान उक्त सरकारी बीमा लाभ से वंचित रह गया है। वहीं इस संदर्भ में सिंघिया के बीसीओ से जानकारी लेने की कोशिश किया तो उनसे संपर्क नहीं होने पर विशेष जानकारी नहीं मिल सका। आखिर इस प्रकार के पैक्स अध्यक्षों द्वारा किए गए काज का जिम्मेवार कौन है? देखिए, धान का इंश्योरेंस किसानों के द्वारा किया गया था, लेकिन ऊपर से ये पता लगा कि इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम किसान सलाहकार कृषि कोऑर्डिनेटर सबसे बात किए कि आखिर आप जब क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट किए थे तो इंश्योरेंस से किसान वंचित क्यों हैं। तो उनके द्वारा यह बताया गया है कि पैक्स के द्वारा जो धान खरीद दिखाया गया है प्रखंड में, वह बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। तो जब आपको उपजा हो गया, आप किसान को यह लाभ नहीं मिल के, व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति को यह लाभ मिल गया, जिससे सैकड़ों किसान प्रखंड के वंचित रह गए, उनका पैसा लगा इंश्योरेंस करवाने में, और अब जाके सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई आपके यहाँ तो उपजा अच्छा हुआ तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं आप? पदाधिकारियों से ये मांग हम करना चाहते हैं कि आप क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट देखिए कि क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट कैसा है, और क्रॉप कटिंग का जो रिपोर्ट है पैक्स के द्वारा जो धान का खरीद दिखाया गया है वह बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जैसा कि ऑफिशियली जानकारी मिला है। तो दोनों रिपोर्ट में अंतर है, दोनों रिपोर्ट आप ही के द्वारा किया गया है। क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट भी ऑफिस के द्वारा ही होता है, और पैक्स का जो धान खरीदगी है उसका भी रिपोर्ट ऑफिस के ही द्वारा होता है। तो इसका उचित जांच कर किया जाए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। नाम? मेरा नाम रिंकू कुमार सिंह है और मैं उप प्रमुख के पद पर अभी सिंघिया प्रखंड में हूँ।